कारण एक्सपेंशन का ना होना एक ये वजह भी थी, क्योंकि राम मंदिर वाला जजमेंट आना था और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। प्रदेश के एक एक व्यक्ति ने जिस तरीके से सोशल हार्मनी मेंटेन करी, मैं आभारी हूँ कि आज प्रदेश की एकता और अखंडता हमें देख रही है। सबसे प्राथमिक तौर पर तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के माध्यम से जो पेंडेंसी दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र के कॉमन चीज़ों की, उसको पूरा किया जाएगा। जैसे कि 70% रोजगार की बात है, कि हमारा प्राइमरी एजेंडा दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में बुढ़ापा पेंशन में वृद्धि, अलग अलग अमाउंट जरूर हो सकते हैं पर वृद्धि एक मुद्दा है। दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में एग्जामिनेशन सेंटर पास करने की सबसे पहले प्राथमिक तौर पर उसको 50 किलोमीटर के रेडियस में लाने जाता है। इस तरीके से जो घोषणाएँ हमारी कॉमन है या दोनों घोषणा पत्र के अंदर महत्वपूर्ण, उनको प्राथमिक तौर पर काम करेंगे। मगर मैं ये विश्वास दिला देता हूँ, जो जींद के अंदर हमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में बारी बारी सुनने को मिलता है सबसे पिछड़ा जिला, आपके और मेरे लिए जींद प्राथमिकता रहेगी। मैं उचाणा से विधायक गुरु जिम्मेवारी उचाणा से, मैं पूरे जींद जिले का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी। मेडिकल कॉलेज वाली बात भी आपकी, ने कई जगह सरकार ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस चलाए और आपने देखा होगा झज्जर वाले का या उससे पहले फरीदाबाद वाले का, क्या इंस्टीट्यूशन को बढ़ाना या अनाउंस करना आसान है, सक्सेसफुली चलाना उससे मुश्किल। आज के दिन भी डॉक्टर रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है, इसका डेवलपमेंट का काम भी पूरा नहीं है। ये कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी टीमें लग चुकी है, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं स्किलिंग का हो, और इन तमाम चीज़ों को स्टडी करके जो बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन है उसके अंदर। आप कहना चाह रहे हो नया बनाना है, रिपेयर कराना है, व्यवस्था सुधार। तो जींद के तमाम पत्रकारों से आग्रह करूंगा, आप सेक्टर 10 गुड़गांव का जो सिविल हॉस्पिटल है, इसकी नींव डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने रखी, बीजेपी सरकार में इसकी शुरुआत, एक बार आप उसको विजिट करके उससे आइडिया लेकर आओ कि कैसे पीपीपी मॉडल में कैथ लैब चलाई जा रही है। मेरी प्राथमिकता है जींद के अंदर आज के दिन कोई हार्ट पेशेंट सरकारी अस्पताल में चला जाए तो उसको PGI रेफर कर दिया जाता है, वो व्यवस्था ना हो, प्राथमिक तौर पे कैथ लैब की व्यवस्था भी बनाई जाएगी, ब्लड टेस्टिंग की हो, सिटी स्कैन हो और MRI जैसी व्यवस्था के लिए भी इक्विपमेंट हम लाएंगे। मगर ये काम कोई एक दिन में होने वाले नहीं। मैं तो चाहूँगा आप जैसे साथियों के सुझाव आते रहे, अगले 5 साल उनके ऊपर मिलकर काम करें। मगर एक चीज़ आग्रह जरूर करूँगा, हमारे घोषणा पत्र का श्रीमती नैना चौटाला जी का एक प्राथमिक वादा था कि गाँव में ठेकों को समाप्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने गवर्नर के अभिभाषण पर भी ये कहा कि जो ग्राम पंचायतें हमें लिखित में देंगे। मैं तो तमाम पत्रकार साथियों से आग्रह करता हूँ, इस मुहिम को आप सबकी मदद से हम आगे ले जा सकते हैं। ग्राम पंचायतों से रेजोल्यूशन ला कर दो कि अगले वित्त वर्ष के अंदर उन गांव के अंदर हम ठेकों को अलॉट ही ना करें जो ग्राम पंचायत हमें रेजोल्यूशन दे। सर यहाँ पर आप उसकी संख्या को लेकर बड़ा इशू रहा है, पूरी पूरी स्टेट के अंदर यही है। उसके मुकाबले भी जी मतलब इसी स्टेट में 100 डॉक्टर्स की कमी, तो अकेले 50 जिले में कम है। मैं बिना आंकड़ों के तो इस पर क्या टिप्पणी करूं, मगर मैं ये जानता हूं कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जिसमें सफिशिएंट डॉक्टरों की मात्रा। आप और उसका कारण ये है कि प्राइवेटाइजेशन की ओर डॉक्टर सबसे पहले देखने का काम करते हैं। अभी तो तेरी शुरुआत है, तेरे कटे शुगर और कैंसर की। चौधरी देवनाथ की कर्म भूमि ने आपको 3 सीटें दी, को लेकर आपका क्या विजन है? मेरी पहला लाइन यही थी कि जींद के उचाणा से मैं विधायक बना हूँ, मगर मेरी जिम्मेवारी जींद की डेवलपमेंट की है, हरियाणा की डेवलपमेंट की। जींद को
जितना हमें लंबे समय से पेंडेंसी कई चीज़ों में देखने को मिली, मिलकर उसको सुधारेंगे। चाहे जींद के अंदर हमें सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी जैसे हिसार लगाए थे वो लगाने की बात हो, अन्य चीज़ें, आप रुको, आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप लोगों के आइडिया रहेंगे, मिलकर उनको भी सुधारेंगे। दूसरा जी, उपचुनाव के अंदर घोषणा की थी आप लोगों ने कि जींद को राजधानी बनाएंगे, क्या कहना इस बारे में? गठबंधन की सरकार है सर, निर्णय हमारे तो नहीं होंगे, मगर ये है कि उससे कम भी नहीं छोड़े। जींद जिले से विधायक बनके आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं जी, ना तो जेजेपी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी ना उस पर टिप्पणी करके कोई फायदा। हम कौन से शिवसेना है जो घुमा फिरा के एक कहावत ना, लड़ियो झगड़ियो छोटकी बू पे आके पड़ी है, तो और कुछ नहीं, जाके जेजेपी पे पीछे पड़ने का काम वो करते हैं। तो मेरी वो सोच नहीं है कि हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी करें, उनके प्रदेश का मैटर है, पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ लड़ी है वो अपना निर्णय कर सकते। ठीक है जी, थैंक यू। कारण एक्सपेंशन का ना होना एक ये वजह भी थी, क्योंकि राम मंदिर वाला जजमेंट आना था और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। प्रदेश के एक एक व्यक्ति ने जिस तरीके से सोशल हार्मनी मेंटेन करी, मैं आभारी हूँ कि आज प्रदेश की एकता और अखंडता हमें देखने को मिली। सबसे प्राथमिक तौर पर तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के माध्यम से जो पेंडेंसी है दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र के कॉमन चीज़ों की, उसको पूरा किया जाएगा। जैसे 75% रोजगार की बात हो, ये हमारा प्राइमरी एजेंडा था दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में। बुढ़ापा पेंशन में वृद्धि, अलग अलग अमाउंट जरूर हो सकते हैं, पर वृद्धि एक मुद्दा था दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में। एग्जामिनेशन सेंटर पास करने थे, सबसे पहले प्राथमिक तौर पे उसको 50 किलोमीटर के रेडियस में लाने का काम था। इस तरीके से जो घोषणाएं हमारी कॉमन है या दोनों घोषणा पत्र के अंदर महत्वपूर्ण है, उनको प्राथमिक तौर पर काम करेंगे। मगर मैं ये विश्वास दिला देता हूँ, जो जींद के अंदर हमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में बारी बारी सुनने को मिलता है सबसे पिछड़ा जिला, आपके और मेरे लिए जींद प्राथमिकता रहेगी। मैं उचाणा से विधायक जरूर हूँ, जिम्मेवारी उचाणा से, पर पूरे जींद जिले का नेतृत्व करने की जिम्मेवारी भी मेरी। मेडिकल कॉलेज पिछले 5 साल से बड़ा स्लो गति से चल रहा था, लोगों की बार-बार यही मांग आ रही है कि अब शायद। मेडिकल कॉलेज वाली बात भी आपकी है, हमने कई जगह सरकार ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस चलाए, और आपने देखा होगा झज्जर वाले का या उससे पहले फरीदाबाद वाले का क्या हाल। इंस्टीट्यूशन को बढ़ाना या अनाउंस करना आसान है, सक्सेसफुली चलाना उससे मुश्किल। आज के दिन भी चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है, इसका डेवलपमेंट का काम भी पूरा नहीं हो। तो ये कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी टीमें लग चुकी हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, स्किलिंग का हो और हो, इन तमाम चीज़ों को स्टडी कर कर जो बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन होगी उसकी हम मिलकर। आप कहना चाह रहे हो नया बनाना है, रिपेयर कराना है, व्यवस्था सुधारना है, वो आपकी चीज है। जींद आपकी बिल्कुल प्राथमिकता पे है। अभी पिछले दिनों भी एक डेड बॉडी को लेकर बड़ा इशू आया, स्वास्थ्य सेवा बहुत बदहाल है, स्पेसिफिक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर किस तरह। तो जींद के तमाम पत्रकारों से आग्रह करूंगा, आप सेक्टर 10 गुड़गांव का जो सिविल हॉस्पिटल है, इसकी नींव डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने रखी थी बीजेपी सरकार में इसकी शुरुआत, एक बार आप उसको विजिट करके आओ, उससे आइडिया लेकर आओ कि कैसे पीपीपी मॉडल में कैथ लैब चलाई जा रही है। मेरी प्राथमिकता है जींद के अंदर आज के दिन कोई हार्ट पेशेंट सरकारी अस्पताल में चला जाए तो उसको पीजीआई रेफर कर दिया जाता है, वो व्यवस्था ना हो, प्राथमिक तौर पे कैथ लैब की व्यवस्था भी बनाई जाएगी, ब्लड टेस्टिंग की हो, सिटी स्कैन हो और MRI जैसी व्यवस्था के लिए भी इक्विपमेंट हम लाएंगे। मगर ये काम कोई एक दिन में होने वाले नहीं, मैं तो चाहूँगा आप जैसे साथियों के सुझाव आते रहे, अगले 5 साल उनके ऊपर मिलकर काम करें। मगर एक चीज़ आग्रह जरूर करूँगा, हमारे घोषणा पत्र का श्रीमती नैना चौटाला जी का एक प्राथमिक वादा था कि गांव में ठेकों को समाप्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने गवर्नर के अभिभाषण पर भी ये कहा कि जो ग्राम पंचायतें हमें लिखित में दें। मैं तो तमाम पत्रकार साथियों से आग्रह करता हूँ, इस मुहिम को आप सबकी मदद से हम आगे ले जा सकते, ग्राम पंचायतों से रेजोल्यूशन ला कर दो कि अगले वित्त वर्ष के अंदर उन गांव के अंदर हम ठेकों को अलॉट ही ना करें जो ग्राम पंचायत में रेजोल्यूशन दे। सर यहां पर आप उसकी संख्या को लेकर बड़ा इशू रहा है,
पूरी पूरी स्टेट के अंदर यही है। उसके मुकाबले भी जींद मतलब यदि स्टेट में 100 डॉक्टर्स की कमी, तो अकेले 50 जींद में कम है। मैं बिना आंकड़ों के तो इस पर क्या टिप्पणी करूं, मगर मैं ये जानता हूं कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जिसमें सफिशिएंट डॉक्टरों की मात्रा। आप जींद और उसका कारण ये है कि प्राइवेटाइजेशन की ओर डॉक्टर सबसे पहले देखने का काम करते हैं। अभी तो तेरी शुरुआत है, तेरे कटे शुगर और कैंसर की। आप चौधरी देवलाल की कर्म भूमि ने आपको 3 सीटें दी, को लेकर आपका क्या विजन है? मेरी पहला लाइन यही थी कि जींद के उचाणक से मैं विधायक बना हूँ, पर मेरी जिम्मेवारी जींद की डेवलपमेंट की है, हरियाणा की डेवलपमेंट की। जींद को जितना हमें लंबे समय से पेंडेंसी कई चीज़ों में देखने को मिली, मिलकर उसको सुधारेंगे। चाहे जींद के अंदर हमें सिक्योरिटी के लिए CCTV जैसे इशार लगाए थे वो लगाने की बात हो, अन्य चीज़ें आप रुको, आप लोगों का सहयोग रहेगा, आप लोगों के आइडिया रहेंगे, मिलकर उनको भी सुधारेंगे। भूषण जी, उपचुनाव के अंदर घोषणा की थी आप लोगों ने कि जींद को राजधानी बनाएंगे, क्या कहना इस बारे में? गठबंधन की सरकार है, सारे निर्णय हमारे तो नहीं होंगे, मगर ये है कि उससे कम भी नहीं छोड़े। जींद जिले से विधायक बनके आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं, ना तो JJP महाराष्ट्र में चुनाव लड़ी, ना उस पर टिप्पणी करके कोई फायदा। हम कौन से शिवसेना है जो घुमा फिरा के कहावत ना लड़ी हो झगड़ी हो छोट की भू पे आके पड़ी हो, तो और कुछ नहीं, जाके JJP पे पीछे पड़ने का काम वो करते हैं। तो मेरी वो सोच नहीं है कि हम उनके ऊपर कोई टिप्पणी करें, उनके प्रदेश का मैटर है, पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ लड़ी है वो अपना निर्णय कर सकते। ठीक है जी, ठीक है सर, थैंक यू।